एक ऐसे सीनियर जिन्होंने NTSC KVPY एंड केमिस्ट्री ओलंपियाड्स क्लियर कर रखी है. ही सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 325 इन JEE एडवांस एंड राइट नाउ IIT में भी इन्होंने काफ़ी मचा रखा है. तो हेलो दिव्यजीत, वेलकम टू बी ऑन. हाय सार्थक, नाइस टू बी हियर, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्टेड टू नो दिव्यजीत, लाइक वॉट वॉज योर JEE जर्नी, like what kind of student you were and what were the ups and downs faced in your preparation. Sarthak, agar main apni JEE journey ki baat karu to first time I heard about IIT JEE when I was in class 6. That time one of my distant relative was selected for IIT Patna. उसके पहले मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, इवन उसके बाद भी मुझे कुछ सालों तक एकदम आइडिया नहीं था कि IIT होती क्या है, उसमें एडमिशन कैसे मिलता है. इतना पता था कि इट इज़ वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया, एंड स्टार्टिंग से ही यही सोचा था कि साइंस लेके परस्यू करूंगा आगे, क्योंकि साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट थी. फिर जब मैं क्लास 9th में गया तो कुछ मेरे दोस्त थे जिन्होंने फिटजी में इनरोल किया, तो उनको देख के मैंने भी फिटजी में इनरोल किया. और जो हमारा बैच था उसमें मुझे अभी भी याद है, काफ़ी अच्छे बच्चे थे, और एक स्टूडेंट था पर्टिकुलरली जिसने उस साल के FTRE में ऑल इंडिया रैंक 7 स्कोर किया था. तो इन सब के बीच में जो कम्पीट करना होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट था, और मैं एक एवरेज स्टूडेंट था. आई वॉज नॉट द टॉपर ऑफ दैट बैच एंड आई वॉज अ एवरेज स्टूडेंट, एंड धीरे धीरे उनसे देख के उनसे सीख के इम्प्रोवाइज एंड अडेप्ट वाली बात होती है, पॉजिटिव कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ा और चल रहा था, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था. 10th में मैंने NTSC भी क्रैक किया, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिला मुझे. बट जो मेजर टर्निंग पॉइंट था मेरी JEE जर्नी में वो था क्लास 11th के स्टार्टिंग में मेरा फिटजी से मेंटर से डिजर्व में स्विच ओवर होना. जब मैंने मेंटर से डिजर्व ज्वाइन किया वहाँ मुझे कुछ ऐसे टीचर्स मिले जो रियली मेरे लिए एंजल थे और जिनके मोटिवेशन में मैंने आगे की पढ़ाई की. और देन आई रियलाइज व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ लर्निंग. लर्निंग इज नॉट पासिंग टेस्ट एंड टॉपिंग इन गेटिंग फर्स्ट रैंक इन क्लास. लर्निंग इज अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, एंड वहाँ के टीचर्स ने ये चीज़ मुझे रियलाइज करवाया. एंड आज भी मैं ट्रू लर्निंग पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, नॉलेज परस्यू करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ. और फिर धीरे धीरे काफ़ी सारे एग्जाम्स मैंने क्रैक भी किया, कई जगह पर फेल भी किया. अप्स एंड डाउन्स तो यार मेरे हिसाब से पार्ट ऑफ लाइफ है. ये कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं होता. इवन JEE रैंक 1 भी जो होता है ही ऑल्सो हैज़ अप्स एंड डाउन्स, इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. मैटर ये करता है कि आप अपने सक्सेस में कितने काम एंड कंपोजिट रहते हैं, और आप अपने फेलियर के मोमेंट पर कितना मतलब ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं कि आप उसको ओवरकम कर पाएंगे, वो डिसाइड करता है. अप्स एंड डाउन्स तो सभी की लाइफ में होता है, और मेरे लाइफ में भी था. इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, तो इट्स समथिंग दैट इज इनेविटेबल. ग्रेट ग्रेट दिव्यजीत. तो यहाँ पर मैं मेंटर के इम्पोर्टेंस का पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा, एंड ऑफकोर्स लर्निंग पे तो हमेशा फोकस होना ही चाहिए हमारा. तो मूविंग अहेड दिव्यजीत, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि लाइक जैसे आपने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में IIT बॉम्बे में एडमिशन लिया था, देन यू चेंज योर ब्रांच टू BS केमिस्ट्री. सो लाइक जो एस्पिरेंट JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके मन में एक नोशन होता है कि कुछ ब्रांचेस अच्छी होती है और कुछ खराब, पता नहीं क्यों, बट स्टिल. एंड कहीं ना कहीं मुझे भी डाउट था, तो लाइक व्हाट्स रॉन्ग इन दिस एंड व्हाट वॉज योर मोटिवेशन बिहाइंड चेंजिंग योर ब्रांच. Yeah, you rightly said that is the very like sheep herd mindset ki kuch branch acha hota hai, kuch branch kharab hota hai. There's nothing called good branch or bad branch, it all depends on you. Means maine dekha hai counseling ke time pe last 2 years se dekha hai logo ki jo CS ya IT ya electrical ya is tarah ke jo top engineering branches hote hain, inka kafi zyada craze rehta hai. But aisa kuch nahi hai, it all depends on you. See, when we are in class 12, वी डोंट नो कि कौन सा ब्रांच में क्या रखा होता है. वी जस्ट गो बिकॉज हमारे सीनियर्स ने कहा, या हमारी फैमिली ने कहा कि तुम्हें इस ब्रांच में जाना चाहिए, या किसी रिश्तेदार ने कहा. तो ऐसा नहीं है. जब मैंने भी अपना एडमिशन लिया था उस टाइम पे मेरा शुरू से इंटरेस्ट था बेसिक साइंस परस्यू करने का, बट ड्यू टू सम रीजंस, जो बोलते हैं ना लोगों की भीड़ चाल में, मैं भी अपने रैंक के हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन था IIT बॉम्बे इलेक्ट्रिकल डुअल में चला गया. बट ओवर द टाइम, ओवर द फर्स्ट ईयर, आई रियलाइज कि इलेक्ट्रिकल इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, एंड केमिस्ट्री में तो मेरा स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था. एंड देर आई मेट विथ सम सीनियर्स हु हैव ऑलरेडी डन सच थिंग, लाइक उन्होंने भी ब्रांच चेंज कर रखा है. मेरे ही अपने डिपार्टमेंट में एक वलय करके सीनियर है जिन्होंने मैकेनिकल से केमिस्ट्री में ब्रांच चेंज किया है. तो ऐसे न्यूमरस एग्जाम्पल है अपने IIT में भी.
तो इनकी स्टोरीज जानने के बाद थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जब इन्होंने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके मम्मी पापा या आपके रिलेटिव्स वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, तो आपको ही पढ़ना है, तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए। और क्योंकि मेरा इंटरेस्ट केमिस्ट्री में था, तो दैट्स वाई आई ब्रांच चेंज। एंड इसकी जो डिटेल एनालिसिस है कि मैंने क्यों ब्रांच चेंज की, वो ऑलरेडी मैंने अपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के ब्लॉग में बताया है, तो मे बी आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। ग्रेट स्टफ दिव्योजीत। सो कोई ब्रांच बड़ी या छोटी नहीं होती, एंड आपको वो पर्टिकुलर कोर्स 4 साल पढ़ना है, तो चूज योर, मेक अ डिसीजन वाइजली। नाउ मूविंग अहेड, द बिग क्वेश्चन दैट कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इस बात से फैसिनेटेड रहते हैं जो कि बिग पैकेजेस की न्यूज़ पेपर में आती रहती है, एंड द मनी दे कैन गेट बाय गेटिंग इनटू आईआईटी। सो मैं ये जानना चाहता हूँ दिव्योजीत कि इज आईआईटी ओनली अबाउट बिग पैकेजेस एंड जॉब सिक्योरिटी, और यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं एंड एक्सप्लोर कर सकते हैं? मोस्ट आर तक आईआईटी इज नॉट ऑल ओनली अबाउट मनी। या आईआईटी इज अ ग्रेट प्लेस इफ यू वांट टू अर्न मनी, बट इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी। एंड अगेन, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दीज करोड़ पैकेजेस, दैट्स नॉट द रियालिटी, दैट्स ओनली वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। यू नो, लेट मी कम टू दिस करोड़ पैकेज वाला थिंग। इट्स अ हाइप, लोगों को भी लगता है, मेरे भी काफ़ी रिश्तेदार हैं जिनको लगता है कि ये 4 साल बाद करोड़ों में कमाएगा, तो दैट्स नॉट द केस। करोड़ पैकेज लगती है, बट कितनों की लगती है, दैट्स द क्वेश्चन यू शुड आस्क। 1000 बच्चे आते हैं एक बैच में, जब प्लेसमेंट होता है तो 10, 15, 20, इतने लोगों की लगती है करोड़ पैकेज। और करोड़ पैकेज कहाँ लगती है ये भी जानना चाहिए। दैट्स नॉट इन इंडिया। नो इंडियन कंपनी इज गोइंग टू ऑफर यू करोड़ रुपीज जस्ट आफ्टर यू ग्रेजुएट। दे गेट करोड़ वाला पैकेज इन अब्रॉड, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे इफेक्टिवली, इंडिया में उनको कितना मिलना चाहिए था, दैट कम्स डाउन टू लैक्स ओनली। दैट्स बेसिक इकोनॉमिक रूल्स, राइट? तो ये है पूरा लॉजिक। देखने में वो काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है करोड़ का पैकेज, बट वो करोड़ का पैकेज कहाँ मिलता है ये सोचना चाहिए। एंड नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट आईआईटी इज ओनली, इज इट ओनली अबाउट पैकेज? नो, IIT में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बेस्ट थिंग अबाउट IIT इज इट्स alumni नेटवर्क एंड द काइंड ऑफ पीपल हु ज्वाइन IIT। सो JEE एग्जाम नो डाउट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, एंड द स्टूडेंट्स हु कम आफ्टर क्लियरिंग JEE आर लाइक द ब्रिलियंट माइंड ऑफ द कंट्री। सो यू गेट अ चांस टू इंटरैक्ट विद दीज पीपल, दे आर योर पीयर, एंड अ पॉजिटिव कॉम्पिटिशन विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सिमिलरली the environment is IIT is a very competitive environment, and it's a good environment if you want to learn something. You get a lot of good guidance from your seniors, from learned professors, and then IIT is a gateway which helps you in any field, be it anything. I'm not joking, anything, literally anything. Means if I talk about IIT Bombay, we have alumni in almost all fields, be it entrepreneurship, be it IT, be it film and media, be it sports, be it politics. आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे, तो इट्स बेसिकली अ गेटवे फॉर यू, अ गेटवे टू अ गुड लाइफ। इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, आप कुछ भी कर सकते हो। IIT में आने के बाद बहुत सारे स्किल सेट्स होते हैं जो आप सीख सकते हो। वी हैव गुड स्पोर्ट्स फैसिलिटी, वी हैव गुड कल्चरल एक्टिविटीज, वी हैव गुड एंटरप्रेन्योर सेल, ई सेल। ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आप पढ़ाई में तो कर ही सकते हो, बट इसके अलावा भी एक्स्ट्रा करिकुलर में भी बहुत कुछ होता है करने के लिए। तो बेसिकली मेरे हिसाब से IIT आपको एक प्लेटफॉर्म देती है जहां से आप लाइक एक्सेल कर सकते हो। इफ थिंक यू आर अ रॉकेट, तो IIT इज द लॉन्च पैड फॉर दैट रॉकेट। इट डजंट मैटर वेयर योर डेस्टिनेशन इज, बट इट विल लॉन्च यू फॉर श्योर इफ यू हैव द एनफ फ्यूल। बाय फ्यूल आई मीन डेडिकेशन, मोटिवेशन, समझ रहे हो ना? यस यस दिव्योजीत, एग्जैक्टली। IIT में काफी सारी चीजें करने के लिए होती है यार, एंड देयर इज अ लाइन कि यू नेम इट एंड वी हैव इट। किसी भी फील्ड का नाम ले लो, उससे रिलेटेड क्लब्स एंड सीनियर्स IIT में आपको ज़रूर मिल जाएंगे। एंड पीयर ग्रुप, हर कोई यहाँ पे हर समय कुछ ना कुछ नया करने का सोच रहा होता है। एंड मनी वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है यार, पर लाइक द ग्रोथ दैट यू हैव एंड द फ्रेंड्स दैट यू मेक हियर आर फॉर लाइफ, तो उसे कोई नहीं झुठला सकता। सो मूविंग अहेड दिव्योजीत, एनी इंस्टेंसेस फ्रॉम योर IIT लाइफ जो कि आप एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना चाहोगे, प्रोबेबली फ्रॉम हॉस्टल लाइफ एंड हॉस्टल कल्चर ऑफ IIT बॉम्बे, जिनसे एस्पिरेंट्स को अपनी JEE प्रिपरेशन के लिए मोटिवेशन मिले? या तो हॉस्टल लाइफ तो ऐसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कॉलेज लाइफ में। हॉस्टल लाइफ जो 4 साल अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी के भी लाइफ का। एंड IITs में भी हॉस्टल लाइफ काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और हमारे मुंबई में तो IIT बॉम्बे में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है सिक्योरिटी वाला कि आप इतने बजे के बाद हॉस्टल के बाहर नहीं जा सकते या इतने बजे के बाद ही आप बाहर जा सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितनी देर मन उतनी देर बाहर घूम सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्लस IIT की हॉस्टल लाइफ आपस में काफ़ी इंटरेक्टिंग है, हम काफ़ी अपने फ्रेंड्स पर बेसिकली विंग मेट्स, यहाँ पे क्या होता है विंग का कल्चर होता है। फर्स्ट ईयर में जब हम हॉस्टल में आते हैं तो लाइक there are 18 रूम्स इन अ फ्लोर और वो सब एक विंग में होते हैं, और तो विंग में हमारा काफ़ी इंटरेक्शन होता है। विंग में बताऊँ आपको किस तरह की चीज़ें होती हैं, लाइक हम साथ में बैठ के गेम्स खेलते हैं, वीकेंड पे हम सब सारे लोग एक साथ बाहर में बैठ जाते हैं और कुछ कुछ इवेंट्स करते हैं अपने, कोई गिटार बजाता है, कोई डांस करता है, कोई गाना गाता है, साथ में गेम खेलते हैं। फिर किसी का बर्थडे होता है तो फिर वहाँ पे एक GPL का कल्चर होता है। आई वोंट से व्हाट एग्जैक्टली GPL इज़, दैट्स फॉर यू टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली GPL इज़। फिर हम आपस में खेलते भी हैं, फिर अपने हॉस्टल को भी रिप्रेजेंट करते हैं GCs में, जनरल चैम्पियनशिप बोलते हैं, स्पोर्ट्स की भी होती है, कल्चरल इवेंट्स की भी होती है। तो GCs के बारे में अगर आपको डिटेल में पता करना है तो छिछोरे मूवी थी वहाँ पे आप देख सकते हो, तो वहाँ पे आपको एग्जैक्टली IIT बॉम्बे का GC कल्चर पता चल जाएगा। एंड उस मूवी में एक हॉस्टल 3 का रेफरेंस था, सो आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम ऑल्सो फ्रॉम हॉस्टल 3। तो ऐसा है, हॉस्टल कल्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड हॉस्टल कल्चर इज़ समथिंग दैट बाइंड एवरीवन, सीनियर जूनियर एवरीवन। क्योंकि हॉस्टल में जब हम रहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता IIT में कि ईयर वाइज हॉस्टल मिले, सारे ईयर के लोग मिक्स होके रहते हैं, सीनियर जूनियर इंटरेक्शन होता है, अपने सीनियर्स से सीखने को मिलता है, अपने फ्रेंड्स से सीखने को मिलता है। आई स्टिल रिमेंबर जब भी हमारा कुछ कॉमन कोर्सेज का एग्ज़ाम होता है तो सारे लोग एक ही रूम में आके बैठ जाते हैं और आपस में ग्रुप स्टडी करते हैं, एक दूसरे फ्रेंड्स अपने को पढ़ाते हैं। जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था तो हमें CS वाले में जो मेरे फ्रेंड थे जो टॉप रैंकर थे JEE के, वो हमें पढ़ाते थे, कभी कभी वो भी हमसे डाउट पूछते थे, हम उन्हें हेल्प करते थे। तो इस तरह से हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो हॉस्टल लाइफ, या इट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ IIT लाइफ और एनी कॉलेज लाइफ। वाओ ग्रेट, हमारी बैच को तो अभी तक इंस्टी जाने का मौका नहीं मिला और हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला है, पर हम जब भी इंस्टी वापस जाएंगे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, ये श्योर है। एंड IIT एस्पिरेंट्स भी इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि लाइक अभी आप अपने पूरे 100% एफर्ट्स डाल लो, फिर आगे आप बिल्कुल मस्ती कर सकते हो और काफ़ी ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। तो थैंक्स दिव्यजीत फॉर योर टाइम, एंड लाइक एक लास्ट मैसेज जो आप एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे, लाइक वी हैव 2 मेंस अटेम्प्ट्स कमिंग अप, देन बोर्ड्स, देन एडवांस, तो फाइनल मैसेज जो आप उनको कहना चाहो। सो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जिनको JEE मेन या JEE एडवांस का एग्जाम देना है अभी फ्यूचर में, उनके लिए मैं सबसे पहले तो यही बोलूंगा कि यू आर नॉट द ओनली वन हु इज अफेक्टेड बाय COVID-19 पैंडेमिक, इट अफेक्टेड ईच वन ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, सबको किसी ना किसी वे में पैंडेमिक ने हिट किया ही है। तो ये चीज़ को भूल के आप थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहो, सबको ही लॉस हुआ है एंड everyone इज ऑलमोस्ट ऑन लेवल ग्राउंड, एंड यू शुड ओनली फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। आप लोगों का मत देखो, आप अपने प्रिपरेशन पे फोकस करो और उसको इम्प्रूव करने का ट्राई करो। लाइक राइट नाउ सी इट्स ऑलमोस्ट मार्च एंड यू हैव स्टिल 2 months, एंड 2 months इज लाइक 60 days, मोर देन एनफ टू बूस्ट योर प्रिपरेशन। एंड जो लोग अगले साल एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी समय है, 1 साल भी बहुत होता है अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले ज़रूरत होती है अपने आप को एनालाइज करने की कि वेयर एग्जैक्टली डू यू स्टैंड राइट नाउ, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। एंड वंस यू रियलाइज दैट, नाउ योर गोल शुड बी गोइंग अप फ्रॉम दैट पोजिशन, नॉट डाउन। आप एक बार अपनी पोजिशन पहले एनालाइज करो कि आप हो कहाँ पे, और फिर वहाँ से आगे बढ़ने का प्लान करो, एक विज़न बनाओ, एक प्लान बनाओ कि किस तरह से आप बची हुई पेंडिंग चीज़ों को कवर करेंगे, किस तरह से आप अपने जो भी आपका मटेरियल बचा हुआ है उस पर कवर करेंगे, या आपका रिविज़न स्ट्रैटजी क्या होगी। और इसके लिए आप लोगों से मत पूछो कि आपकी रिविज़न स्ट्रैटजी क्या थी, आप अपनी स्ट्रैटजी बनाओ, इट शुड बी योर स्ट्रैटजी, तभी आपको वो हेल्प करेगा। और जो स्ट्रैटजी बनाते हो ना, उसको बना के साइड में मत रखो, उसको फॉलो करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग स्ट्रैटजी तो बहुत बनाते हैं, स्ट्रैटजी वीडियो भी आपको बहुत मिल जाएंगे, पर स्ट्रैटजी फॉलो कितने लोग करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आपको 100% उस स्ट्रैटजी को फॉलो करना है और अपना बेस्ट देके आना है। जो भी आपका फाइनल एग्जाम होगा उसके बाद आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उस एग्जाम में और अच्छा कर सकते थे, इट शुड बी योर बेस्ट। एक मेंटल सेटिस्फैक्शन आपको मिलना चाहिए, और जब आपको ये मिलेगा तो आपका एग्जाम डेफिनेटली अच्छा जाएगा, नो मैटर आपकी प्रिपरेशन पूरी हो या ना हो। आपको अपने लेवल पर बेस्ट देना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए या नहीं। हाँ, जितने भी टॉपिक आपने कवर किए वो टॉपिक में आपको बेस्ट देना है एग्जाम में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से।
एंड आई विल से ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. हम सब कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहना है आपको. मतलब नेगेटिविटी नहीं आने देनी है, ये नहीं सोचना है कि आपसे नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, जो रैंक लाता है वो भी तो इंसान है, वो एलियन थोड़े है, वो कोई मार्स से थोड़े आया हुआ है ना. तो आप भी कर सकते हो, बिलीव इन योर सेल्फ एंड गिव योर बेस्ट. ऑल द बेस्ट गाइस. सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट दिव्यजीत फॉर योर टाइम. एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको सारे अपडेट्स बहुत जल्दी मिल जाए. खूब पढ़ते रहो यार और मचा दो.